हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अंडर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री निजी मोइना स्कीम के बारे में। इस स्कीम में जो क्लास 11 और जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो होता है इंसेंटिव स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप क्या है, कैसे अप्लाई करना है, किस स्कीम के अंदर आता है, कौन ये स्कॉलरशिप दे रहा है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहें। मुख्यमंत्री निजी मोइना स्कीम जो होता है इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पहले फरवरी 12 को एक ट्वीट किया था। उसमें बोला गया था कि असम सरकार लगभग 240 करोड़ मतलब डोनेट करने वाली है हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो इसमें ये कहा गया था कि क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर कोई लड़की क्लास 10 पास करके 11 में जा रही है तो फिर उसको एडमिशन इंसेंटिव दिया जाएगा 10,000 रुपीज़ का। और अगर कोई क्लास 12 लड़की जो होता है वो 12 पास करके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में दाखिला ले रही है तो फिर उसको इंसेंटिव स्कॉलरशिप दिया जाएगा 12,500 रुपीज़ का। ठीक है, और अगर कोई लड़की मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होगी तो फिर उसको 15,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई। और ये फरवरी 12 को उन्होंने ट्वीट किया था ऐसा। ठीक है, पर जून 6 को एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जो बात थी, ये जो स्कीम की बात थी वो उन्होंने कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो स्कीम होता है वो अगस्त को इम्प्लीमेंट होगा। एलिजिबिलिटी में क्या है कि आप एक लड़की होना चाहिए, पहले तो यू मस्ट बी ए गर्ल कैंडिडेट, आप एक लड़की होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको क्लास 10 पास करना है 11 में दाखिला लेने के लिए, तभी तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। नहीं तो आप 12 पास कर सकते, नहीं तो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होने से भी आपको ये जो स्कॉलरशिप होता है वो मिल सकता है। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप मेरिट नहीं होना चाहिए, अगर आप मेरिट होंगी तो फिर आपको ये जो स्कॉलरशिप होता है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ आता है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट अभी तक लॉन्च हुआ कि नहीं।